हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू फ्रेश कॉर्न एकेडमी। ओके, सो वी आर स्टडिंग मैथ्स विद सूरज सर। बाकी क्वारंटाइन टाइम कैसे जा रहा है तुम लोगों का? आई होप तुम लोग बिजी हो या फिर प्रोडक्टिवली टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो, डिप्रेस नहीं हो रहे हो, ऐसे कुछ टाइप्स में। ओके, और एक चीज़, तुम लोगों ने सुना ना कि अभी 12th का जो JEE के डेट्स थे वो अनाउंस हो गए एक दो दिन पहले। क्या है वो डेट्स? 19 जुलाई। सो एक चीज तो समझ जाओ, ये एग्जाम्स ना होने से तो रहने नहीं वाले, एग्जाम होंगे जरूर। ओके, सो वैसे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया, फिर सपोज सपोज तुम लोग इस बैच में होते। ओके, ऐसे नहीं है, ओके, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मेरे दिमाग में आई ये चीज। अगर तुम लोग इस बैच में होते, सो आई वॉन्ट टू नो कि तुम लोग के रिएक्शन कैसे होते। क्या तुम लोग हैप्पी होते कि चलो यार एग्जाम खत्म हो जाने वाला है, या फिर इट विल बी लाइक कि थोड़ा और टाइम मिल गया पढ़ने के लिए? व्हाट विल बी योर रिएक्शंस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई वांट टू नो कि तुम लोग एग्जैक्टली कैसे थिंक कर रहे हो ये सिचुएशन के बारे में, कि एग्जाम्स नहीं होने वाले थे या हो गए हैं, कैसे, जो भी है तुम लोग के रिएक्शंस। ओके, सो लेट मी नो। अभी हम लोग आगे वाले पार्ट के पास जाते हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही पार्ट हम लोग पहले भी स्टडी कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बाकी थे अपने, और उसके लिए अपने को ये फॉर्मूलास का रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए मैंने उनको पहले से फिलअप करके रखा है बोर्ड पे, सो दैट अपना टाइम बच सके। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, समझ में आ रहा है उन लोगों को? जहाँ पे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे, किया क्या है यहाँ पे बेसिकली, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, इनका रिलेशन है। ये हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके एक चैप्टर है पार्ट वन में, वहां पे तुम लोगों को ये देखने मिल जाएगा, इसके प्रूफ्स एंड ऑल एवरीथिंग। अभी अपना मेन टारगेट है बस, इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है ये अपने को पता होना चाहिए, बिकॉज हम लोग रिप्लेस कर लेंगे इसको इससे या फिर इसको इससे, एंड हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि अपने मेन चैप्टर का नाम है। क्लियर है तुम लोगों को? तो ऐसे ही ये फॉर्मूला का लिस्ट है, देन दीज टू आर इंपॉर्टेंट। ओके, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, और इधर प्लस तो इधर माइनस, ऑल्टरनेट चीज है। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे वाला टर्म प्लस रहेगा। ओके, और ये तीन चीजें तो हम लोगों ने देख ही ली है लास्ट टाइम, हम लोगों ने इसमें से एक का आई गेस वो tan inverse x वाला था, tan inverse x plus cot inverse x, इसका प्रूफ देख चुके थे हम लोग। ओके, इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो प्लीज नोट दिस डाउन, हम लोग उसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, यस, लेट्स गो। सो अभी हम लोग सम्स को अप्रोच करते हैं फिर। ओके, सम्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसके एंड ऑल? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सम्स है, एक एक सम्स के लिए एक एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सो एक बार टाइप समझ जाओ, फिर वो टाइप को सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आ ही जाएगा तुम लोगों को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट वाला टाइप, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में मेंशन है डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट इज फाइन। क्वेश्चन उसमें का फर्स्ट उठाते हैं, उसमें तुम लोगों को बोला है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ओके, 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय, ओके, 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय √41। दिस इज योर क्वेश्चन। अभी इसको सॉल्व करना अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी समझो कैसे। सबसे पहला चीज तो इस √41 को दोनों के साथ स्प्लिट कर दो, तो टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 4/√41 इंटू साइन एक्स प्लस 5/√41 इंटू कॉस एक्स। क्या इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को? देन उसके बाद ये जो एक सिंगल टर्म दिख रहा है ना, और यहाँ पे एक सिंगल टर्म, यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर बेसिकली साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी वाला फंडा क्रिएट कर सकते हैं। वाई साइन तो बारह साइन इनवर्स है, क्योंकि अगर मैंने अंदर कोई भी टर्म साइन के टर्म्स में लेके आया तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाता है ना, लास्ट टाइम ही देखा था हम लोगों ने। सो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो अंदर साइन लेके आना है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ऐसे रोस्टर चलता था। तो इसको भी मुझे साइन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सो लेट्स अज्यूम इट, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, पुट 4/√41 इक्वल टू साइन चाहिए, राइट,
साइन है, कॉस भी होता है, तो कॉस चाहिए मुझे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये मैनेज कर रहा हूँ। ओके, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से मैं मैनेज करने को ट्राई कर रहा हूँ। तो इसको कॉस में रखूंगा और मे बी मैंने इसको अल्फा रख दिया। क्या इतना बात समझ में आ रहा तुम लोगों को? सो मैंने एक कॉन्स्टेंट को दूसरे कॉन्स्टेंट के साथ रिप्लेस किया। अब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बात को ठीक से समझो। क्या मैंने अल्फा का वैल्यू बोला कुछ नहीं? तो इट कैन बी एनी एंगल, ऐसा कोई तो एंगल जिसका अगर मैं कोसाइन निकालूंगा तो मुझे आंसर 4/√41 आता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, अभी इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा के बेसिस पे हम लोग साइन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू, वी नो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अगर मुझे कॉस अल्फा पता है और मुझे साइन अल्फा का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा साइन अल्फा को, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है इतना? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ फिर मैं, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, कॉस अल्फा इज दिस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा 16/41। इसको सिंप्लीफाई कर लो, टर्म बनेंगे तुम लोगों के रूट के अंदर 41 माइनस 16, दैट इज 25। ओके, सो 25 ही आ रहा ना, हाँ 25, तो इसका रूट ले लो बाद में, तो ये आ जाएगा 5/√41। तो मिल गया अपने को वैल्यूज पे, साइन अल्फा इक्वल टू 5/√41। एंड अभी ये तो देख लो 5/√41, तो हम लोग सीधा इस वाले वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे हम लोग साइन अल्फा से एक्सचेंज कर सकते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा और ये कॉस अल्फा तो हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था। तो अभी ये वाला क्वेश्चन चेंज होके कैसे बनेगा? ओके, ये वाई इक्वल टू ऐसे दिख रहा था, अभी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का कॉस अल्फा, सो साइन एक्स को पहले लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स एंड ये साइन अल्फा, ऐसे कुछ। तो देखो सेम ही टर्म्स लिखे मैंने, बस 4/√41 की जगह पे कॉस अल्फा लिख दिया, 5/√41 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन अल्फा, एंड टर्म्स लिख दिए। दिस इज इन द फॉर्म, अंदर वाला चीज देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो मैं इसी को चेंज करके लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, ए यानी कि आप तुम लोगों का एक्स है, बी यानी कि अल्फा है। क्लियर, सिंपल है इतना पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन विल गेट कैंसल आउट, तो बचेगा क्या तुम लोगों का, वाई इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, देयरफॉर वाई इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा। एंड अभी डेरिवेटिव लोगे, इतने टाइम से कोई भी डेरिवेटिव वाला स्टेप आया ही नहीं है, अगर तुम लोग ठीक से देख रहे हो। मैंने बस सिंप्लीफाई किया टर्म्स को इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, और जैसे सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया मुझे इतना सा टर्म मिल रहा है। अभी लो डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आता है और अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, सिंगल कॉन्स्टेंट का 0। सो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। क्या इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है? सो इतना सिंपल है ये स्ट्रेटेजी, अगर तुम लोगों को क्लियर है तो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, और एक सम करके देखते हैं इसी स्ट्रेटेजी का, लेट्स सी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। बाकी लाइफ कैसे चल रहा है सब लोगों का, कुछ काम धंधे कर रहे हो या फिर टाइम पास ही चल रहा है, टीवी सीरीज मूवीज, पढ़ाई भी चल रहा है ना तुम लोगों का साइड बाय साइड? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइम है तुम लोगों के पास जो है, इफेक्टिव एज इन टाइम बहुत है, कितना इफेक्टिव बनाना है ये तुम लोगों के हाथ में, तो कुछ ना कुछ तो करो, काम चालू रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ये वाला ले लेते हैं, इसमें भी तुम लोगों को मिल जाएगा अच्छा खासा सॉल्विंग के लिए। कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos 2x माइनस 4 sin 3x, ऐसे कुछ दिया है, एंड डिवाइड बाय 5। ओके, सो दिस इज माय y इक्वल टू वाला चीज, फिर से सेम स्ट्रेटेजी, 5 को क्या कर दोगे, दोनों में स्प्लिट कर दोगे, तो स्प्लिट करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5 cos 3x माइनस 4/5 sin 3x, इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देन 3/5 को रिप्लेस कर देता हूँ,
ठीक से देखो, कॉस इनवर्स है बाहर, कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस लाने को ट्राई करूंगा। अगर अंदर लाने को ट्राई करना है कि कॉस, तो अंदर का फॉर्मूला भी कॉस के टर्म्स में होना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो दिस शुड बी इक्वल टू योर कॉस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा ले लूंगा। फिर पुट 3/5 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो, रूट ऑफ ये कितना आएगा 9/25, तो ये 16/25 आ जाएगा तुम लोगों का, 16/25 दैट इज नथिंग बट 4/5। चेक कर लो 4/5, 4/5 लॉजिक क्लियर है, रिप्लेस करो फिर। देयरफॉर y इक्वल टू तुम लोगों का टर्म बनेगा यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3/5 कैन बी रिटन एज cos अल्फा, सो ये चीज बनेगा तुम लोगों का cos 3x इंटू cos अल्फा, ओके माइनस यहाँ पे आएगा तुम लोगों का sin 3x इंटू sin अल्फा, ओके मैं वेरिएबल्स को आगे रख रहा हूँ सो दैट हम लोगों का काम इजी हो जाए, फॉर्मूला अप्लाई करते रहे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके इफ इन केस अगर पढ़ रहा है तो मैं वहाँ पे मेंशन करूंगा फिर प्रॉपरली। यहाँ पे अप्लाई करते हैं फिर कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये एक्सपांशन है कॉस ए प्लस बी का, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस अल्फा। क्या इतना समझ में आ रहा है, कॉस इनवर्स और कॉस विल गेट कैंसल आउट, तो बचेगा अपने पास सिर्फ वाई इक्वल टू 3x, सॉरी y इक्वल टू 3x प्लस अल्फा। इसके नेक्स्ट स्टेप पे इसका डेरिवेटिव ले लो, यही पे दिखा रहा हूं मैं, dy by dx दैट इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव तो 3 आ जाएगा, सो ये 3 आ गया एंड अल्फा का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, सो आवर फाइनल आंसर इज dy by dx इक्वल टू 3। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है अगर स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंड कर रहे हो तो, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ओके सो इस तरीके से हम लोग ये टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं फिर और एक टाइप देखते हैं। ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप। अभी तुम लोगों को है ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूलाज, तो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, 3 थीटा के भी याद करने पड़ सकते हैं, तो वहां पे तुम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। मेक श्योर कि तुम लोगों का लिस्ट वगैरह प्रिपेयर्ड है। ओके मैंने बोला था तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगने वाले, मेक श्योर करो कि तुम लोगों का लिस्ट साइड बाय साइड प्रिपेयर हो रहे, क्योंकि बाद में फिर बहुत झंझट हो जाएगा नहीं तो, एंड फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ओके एक काम कर सकते हैं, क्विज के टाइम पे भी फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं, लेट्स सी कैसे वर्कआउट कर सकते हो, वाला सीन जहाँ पे मैं फॉर्मूलाज पूछ सकता हूँ। फाइन लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, हाँ ये वाला समझ है, और एक कर लेते हैं इस टाइप का एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन में दिया है तुम लोगों के कोसेक इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10 अपॉन, डिनोमिनेटर में दिया है तुम लोगों का 6 साइन 2 रेस टू x, ओके माइनस 8 कॉस 2 रेस टू x। क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत हो जाओ कि इतना क्या अतरंग नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ओके सेम ही टाइप का है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। कोसेक इनवर्स दिख रहा है, कोसेक का कोई फॉर्मूला नहीं अपने पास, कोसेक ए प्लस बी या फिर कोसेक ए माइनस बी, हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन वी नेवर यूज्ड इट। तो व्हाट वी कैन डू कि कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ी देर पहले ही एक चीज देखा था हम लोगों ने कि कोसेक इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, तो ये रहा कोसेक इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग। इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है उल्टा किया है, ये x अपॉन 1 है ना एक्चुअली, सो रेसिप्रोकल लिया और उसको कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, और वो क्वेश्चन फिर से पहले के पैटर्न में आ जाएगा तुम लोगों के। सो क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर, इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये वाला चीज बनेगा 6 साइन 2 रेस टू x माइनस 8 कॉस 2 रेस टू x अपॉन 10। अभी इसी स्टेप में निपटा रहा हूँ, 10 को मैं स्प्लिट कर दूंगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। ओके
देन फिर से टर्म्स को अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे. सो साइन इनवर्स है ना बाहर, तो अंदर साइन आना चाहिए. अंदर साइन आना चाहिए तो साइन ए कॉस बी, तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो ये कॉस बनना चाहिए. सो पुट 6/10 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, ये पुट किया, सॉल्विंग करो. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर साइन अल्फा इक्वल टू, देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज 6/10 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस, तो 100 माइनस 36, 64/100 आ जाएगा तुम लोगों का, विच इज नथिंग बट 8/10, जो कि तुम लोगों का यही पैटर्न. सो साइन अल्फा मिल गया. अब ये पूरा का पूरा टर्म चेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर साइड बाय साइड लिखते जाओ, 6/10 6/10 6/10 ये रहा, दैट इज कॉस अल्फा. तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज अल्फा वाला चीज फिर से आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड. सो क्या मिला अंदर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज द एक्सपांशन ऑफ साइन ए माइनस बी. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी, एज सिंपल एज दैट. साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसिल आउट, तो उनको अगर कैंसिल कर दिया तो y इक्वल टू आ जाएगा तुम लोगों का 2^x माइनस अल्फा. डेरिवेटिव ले लो उसका, डेरिवेटिव लिया तो इट विल बिकम dy/dx इक्वल टू 2^x का डेरिवेटिव क्या आता है, a^x के टर्म्स में, वो a^x का डेरिवेटिव आता है a^x इंटू लॉग ए. सो उसी तरीके से 2^x का आएगा 2^x इंटू लॉग 2, एंड अल्फा का तो डेरिवेटिव 0 है, वो तुम लोगों को पता है. कहता पार्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को, दैट्स इट. सो ये इस टाइप का एक लास्ट सम हम लोगों ने किया. अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बेसिस पे, इसके नेक्स्ट वाले टाइप पर प्रोसीड करते हैं, तो वहां पे जाते हैं. फिर ये वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, आई होप इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को. ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज का यूज करेंगे. फॉर्मूला जहां जहां पे भी यूज करेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन का, वहां वहां पे मैं उसको मेंशन करूंगा, ओके, साइड में, सो दैट तुम लोगों को वो चीज अच्छे से क्लियर हो सके. सो मेक श्योर करो कि तुम लोगों को पहले सब टाइप समझ रहे, सो दैट तुम लोग प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर सको.